पीछे आ जा, पैर पीछे पीछे आ जा, पीछे पीछे आ जा यार सारे। छह साल पहले मेरे से हैदराबाद में सर आपके आपके दोस्त आए थे आपसे और हम आपके साथ हैं। कल भी मेरी पार्टी के शायद आपके पास आए थे हमारे रहनुमा पीपल्स पार्टी का जीना मरना मजदूरों के साथ है, आवाम के साथ है। हम मुराद की आपका जो तबका है उनका एहतराम लाख करें, हमारे वफादार हमारी सियासत आपके साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद अपनी जान का नजराना दे के चले गए। बेनजीर साहबा भी अपने वालिद के रास्ते पर थी, उन्होंने भी आपके साथ दल रखा और वो भी आपके हुकूमत की खातिर, आपकी जमहूरियत की खातिर, आपके मफादात की खातिर, आवाम की खातिर जान का नजराना दे गई है। पाकिस्तान में सवाए पीपल्स पार्टी के ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं जो आवाम की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करती हो। अभी भी हमारे बिलावल साहब हैं, वो भी आपके हुकूक की बात करते हैं। आसरदारी साहब जब सदर थे तब भी जितना उनके दौर में, जितना उस हुकूमत में आपके हुकूक की बात हुई है, आपके हुकूक को तस्लीम करने की बात हुई है, आपके इदारों में आपके हक को तस्लीम करने के शेयर्स तक मेरे ख्याल में एक जदीद जमाने में अपने मंशूर के लिए आवाम के हक में, मजदूरों के हक में इससे बेहतर कुछ काम किया नहीं जा सकता था। अभी ये जो फैसला हुआ है वो हम उसके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं, हम आपके हुकूक की बात करेंगे। स्टेट लाइफ जिंदाबाद, स्टेट लाइफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल पार्टी जिंदाबाद। इनके पास कुछ है नहीं, ये कहते थे कि हम भीख मांगना नहीं चाहते, शर्म की बात है, गैरत की बात है। अभी तो सारा दिन भीख मांगते हैं, जहाँ जाते हैं भीख मांगते हैं। ये अब इदारे बेचना चाहेंगे, ये इदारे अपने दोस्तों को देना चाहेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं, ऐसा करना नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी, हर कदम पर साथ देगी। आप हमसे रابطے में रहें, आपको जहां जरूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी, अभी मैं बता रहा हूं आपको, कल मुझे फिर हुक्म आया पार्टी का, मैंने कहा मैंने उनसे मिला हूं हैदराबाद में, मैंने सेनेट में भी बात की है, स्टैंडिंग कमेटी में बात की है, लेकिन कल मेरे दो बड़े मोहतरम रहनुमा आपसे मिल गए, फिर आज मुझे फिर हुक्म किया कि मैं आपसे आऊं, आपसे बात करूं। हम आपके साथ हैं, हर कदम में आपके साथ। आपको तनाव छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। 20 रोज हो गए, बदकिस्मती है इस हुकूमत को फिलहाल समझ नहीं आ रहे, ये अभी तक वो क्या कंटेनर से नीचे उतरे ही नहीं है, अभी तक उनको कोई समझ नहीं आती। जो करते हैं वो परेशान है, जो फैसला करते हैं उसमें परेशान हो जाते हैं। सर अमली तौर पे कुछ करवाएं, 20 रोज हो गए, अमली तौर पे कुछ करवाएं सर, यहाँ लोग 20 रोज होते हैं। मुझे मेरी कयादत आई थी, आप अगर कोई हल बताएंगे, अगर कोई सुन ले एक मिनट मेरा, मैं जा रहा हूँ, आप कोई तजवीज लिख के देंगे जो मेरी सतह तक करने की होगी। अभी दो दिन में, तीन दिन में सेनेट का इजलास होगा, इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज बनकर वहाँ बोलूंगा और सुनेंगे। अल्लाह ताला ने आपके इस भाई को बोलने की सलाहियत दी है और दिल खोल के बोलेंगे और मीडिया में जाएंगे, आपकी बात करेंगे। आप जो कहते हैं अमली तौर पर आप तजावीज दें मेरी पार्टी को, मेरी कयादत को, यहाँ है इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, कराची में भी, आप उनको दें। सर हमारे लीडर मौजूद हैं यहाँ पर, हमारा स्टाफ है, मैं भी ये नहीं कह रहा, आपकी मेरी क्यादत, आपके लीडर्स जो एसोसिएशन है, जो भी आपकी हो फेडरेशन, वो उनसे बात करें वाजे तो ठीक है, वो जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ भी हूँ, अभी आज भी मीडिया में जाऊँगा,
दो दिन के बाद सेनेट में आऊंगा इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी जबान बोलती होगी बहुत शुक्रिया बहुत हम आपके साथ हैं हम आपको नहीं छोड़ सकते हमारा जीना मरना मेहनत कशों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जिए भुट्टो पार्टी में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जमींदार मौजूद है चौधरी सरमाएदार सब मौजूद है लेकिन पॉलिसियों के लिहाज से ये पार्टी मेहनत कश दोस्त है पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की कॉम्प्रेस पार्टी है हाँ हम समझते हैं कि ऐसे मसाइल जिनसे पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में परेशानी बढ़े उससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा आपकी खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है आपका सुकून पाकिस्तान को आगे ले जाएगा तो मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ हम आपके साथ हैं चांडियो साहब 25 तारीख को चांडियो साहब 25 तारीख को 25 तारीख को सेनेट का इजलास होगा 25 तारीख को सेनेट का इजलास होगा उससे पहले अगर कोई आप तजवीजें बनाते हैं कोई बातें मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह वो मैं करूंगा और नहीं आपने बातें पहुंचाई तो भी मैं आपकी आवाज बल्कि इंशाल्लाह उस ऐवान में आपकी आवाज गूंजेगी पूरा पाकिस्तान सुनेगा आप भी सुनेगा अल्लाह आपको फतेह आप करे आमीन अल्लाह आपको कामरानी अता फरमाए आमीन अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे आमीन आपको अपने हुकूक हासिल हो आप अपने औलाद के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें इसी भी पाकिस्तान की बेहतरी है इसी में हम सब की बेहतरी है आपकी बड़ी मेहरबानी नारे भुट्टो जिंदाबाद चांडियो साहब